王มีน้ำแดงจะกินน้ำส้วงมีน้ำส้วงจะกินน้ำแดงว่ามีแรงจะทำมึงล่วงคิดไว้มั่วแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือล่วงเอามึงไปควงมึงไงไม่ลืมได้ข้ามาเดือดท่าตั้งแข่งเอาไงกันวะมีน้ำแดงจะกินน้ำส้วงมีน้ำส้วงจะกินน้ำแดงมีน้ำแดงจะกินน้ำส้วงมีน้ำส้วงจะกินSafalta का वाहन है, चमत्कार है चमत्कार। बोले बाबा। टॉरलॉन्डो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे, और नहीं भी होगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या नाचोगे? आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई तुम लोगों को कुछ अचानक भयानक भयंकर ट्रिक्स, कुछ ऐसे बग्स और ग्लिचेस बताने वाला है ना, जिनको देखने के बाद तुम लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। बस तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में ना तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना तुम लोग यही बोलने वाले हो, ये बढ़िया था गुरु। और हाँ, अगर तुम लोग चैनल पे नए आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि तुम लोग ना इस चैनल पे बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं। ओके, तो उम्मीद है कि तुम लोग ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, भैरचंद मजा आएगा। तो भी अपने सबसे पहले वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाना, इस वाले ब्रिज पे और इस वाले ट्रक के पास। फिर तुम लोग को करना है कि तुम्हारा जो मिनी लॉन्च पैड होता है ना उसको लेके आना, उसके बाद तुम लोग इस वाली जगह पे अपने मिनी लॉन्च पैड को इस वाली जगह पे कुछ ऐसे लगा देना है, और ना जैसे तुम लोग का प्रॉपर मिनी लॉन्च पैड इस वाली जगह पे लग जाएगा, इसके बाद तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना होगा, तुम्हारा लीवर मिनिमाइज का बटन होता है ना, दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आ जाना, उसके बाद देख सकते हो तुम लोग पूरा ट्रक के अंदर आ चुके हो। और ना जैसे तुम लोग इस वाले ट्रक के अंदर आ चुके, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत सारे किल भी कर सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पर तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा। और ना अगर तुम लोग इस वाली ट्रिक को अपने फ्रेंड के सामने करते हो तो पूरा पगला ही जाने वाले हैं, अगर किसी बंदे को भी तुम लोग इस वाली जगह से मारते हो ना, वो तुम्हें देखता है तो मतलब वो पूरा पगला ही जाने वाला है कि तुम लोग कहाँ घुस चुके हो और कहाँ से मार रहे हो। और ना अगर तुम लोग बहुत ही जल्दी अपना रैंक पुश करके हीरो को ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो तो ये वाली ट्रिक ना तुम लोग के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, और लास्ट जोन में ना यहाँ पे आने को तुम लोग बुआ भी कर सकते हो, और इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके ना तुम लोग बहुत सारे किल कर सकते हो, बहुत आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, और ये वाली ट्रिक ना देखने में भी कुछ खतरनाक लग रही है। बात तो सही है। तो भी अपने दूसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग एक लैम्बोर्गिनी को लेना है, उसके बाद तुम लोग जो अपना बॉक्स होता है ना, जो जादू का स्पेसशिप होता है, उसके पास तुम लोग अपने लैम्बोर्गिनी कुछ ऐसे लगा देना है, फिर तुम लोग अपने डिमिनिटी कैरेक्टर जो होता है ना उसको लेके आना है, और जैसे तुम्हारा डिमिनिटी कैरेक्टर चार्ज हो जाएगा ना तुम लोग यहाँ पे उसको लगा देना है, और जैसे तुम लोग लगाओगे ना मतलब यहाँ पे जैसे तुम्हारा ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा, फिर तुम लोग करना है कि तुम लोग यहाँ पे नेड फेंक देना है, लेन में लगा करना डाउन हो जाना है, और फिर तुम लोग गाड़ी में सबसे पहले बैठ जाना है, फिर तुम लोग डाउन हो जाना है, और जैसे तुम लोग डाउन हो गए ना उसके बाद देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो, और ना जैसे तुम लोग वहाँ पे डाउन हो गए यहाँ पे तुम लोग हेल्थ को देख सकते हो, मतलब धीरे धीरे हेल्थ खत्म हो रहा है, यहाँ पे तुम लोग चल सकते हो दौड़ सकते हो देख सकते हो ना, मतलब ट्रिक ना देखने में कुछ खतरनाक लग रही है। Wow! और ना यहाँ पे तुम लोग डाउन हो लेकिन तुम लोग यहाँ पे खड़े दिखा रहे हो, क्योंकि तुम लोगों में ये दिखाने वाला है, तुम्हारे फ्रेंड देखेंगे ना तो तुम लोग को डाउन ही दिखाएगा, और ये वाली ट्रिक के इस्तेमाल करके ना तुम लोग इनिमीज को अपने और अपने फ्रेंड्स को ना एकदम से शॉक कर सके, तुम लोग चल भी सकते हो डाउन होने के बाद भी। अच्छा, तभी अपने तीसरे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग इस वाले लॉन्च पैड पे आ जाना, फिर तुम लोग जो सामने का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, ऐसे तुम लोग कुछ पेड़ पे एम करना है प्रॉपर, फिर तुम लोग यहाँ से लॉन्च हो जाना है, और जैसे तुम लोग लॉन्च हो गए ना तुम लोग देख सकते हो तुम लोग पेड़ पे आकर अटक चुके हो। और ना जैसे तुम लोग इस वाले पेड़ पे आकर अटक जाओगे यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत सारी किल भी कर सकते हो, इस वाली जगह पे ना तुम लोग कोई नहीं देख पाएगा, और अगर लास्ट वाला जोन यहाँ पे बन जाता है जैसे कि अभी बना हुआ है तो तुम लोग बहुत आराम से ना इस वाले गेम को बुझा भी कर सकते हो। और ना अगर तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश करके हीरो को ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो, तुम लोग अगर ज्यादा सोलो खेलते हो तो तुम लोग के लिए ये वाली ट्रिक ना काफी अच्छी होने वाली है, और बहुत आराम से तुम लोग इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके अपना रैंक पुश कर सकते हो। और ना जैसे तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाओगे ना लिटरली तुम लोग इस वाली जगह पे कोई नहीं देख पाएगा और बहुत सारे किल कर पाओगे यहाँ से तुम लोग, और बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश करके ना हीरो को ग्रैंड मास्टर भी जा पाओगे। ओके, तभी अपने चौथे नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग इस वाली जगह पे आ जाना, फिर तुम लोग जो सामने का नारियल का पेड़ देख रहे हैं ना इसके ऊपर तुम लोग कुछ ऐसे इस वाली जगह पे ग्लूबल लगा देना है, फिर तुम लोग करना है कि तुम लोग जंप करके ना इसके ऊपर चढ़ जाना है पेड़ के ऊपर, और जैसे तुम लोग पेड़ के ऊपर चढ़ जाओगे ना तुम लोग को जो ग्लूबल होता है ना सामने की साइड उसको तोड़ देना है, और ना जैसे तुम लोग ग्लूबल का तोड़ देगा उसके बाद तुम लोग बहुत ही आराम से ना ऊपर की साइड नारियल के पेड़ पर कुछ ऐसे चढ़ना है आराम आराम से, अगर तुम लोग ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो तुम लोग नीचे भी गिर सकते हो, और ना जैसे चढ़ते चढ़ते तुम लोग सबसे टॉप पे आ जाओगे यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, बहुत सारे किल भी कर सकते हो, तो इस वाली जगह पे ना तुम लोगों को कोई देख भी नहीं पाएगा। बात तो सही है। और ना अगर तुम लोग सोलो खेलना पसंद करते हो तो ये वाली ट्रिक ना तुम लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, और इस वाली ट्रिक के इस्तेमाल करके ना तुम लोग बहुत सारे किल कर सकते हो और बहुत आराम से अपना रैंक पुश भी कर सकते हो, मास्टर बहुत ही आराम से जा सकते हो। अच्छा, तो भी अपने पांचवें नंबर वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना, उसके बाद तुम लोग यहाँ पे आने को ना ट्रेगोन गन का खरीद लेना है, उसके बाद जैसे तुम लोग गन खरीद लोगे ना उसके बाद तुम लोग को इस वाले पुतले के पास आना, उसके बाद तुम लोग ना मतलब जो अपना शॉट गन स्विच होता है ना उसको करके यहाँ पे हेड पे दो तीन गोली मारना है, तो यहाँ पे तुम लोग को डैमेज दिखा रहा है, और फिर तुम लोग करना है कि ना तुम लोग को ग्रेनेड में स्विच कर लेना है, और ना जैसे तुम लोग ग्रेनेड में स्विच करके फायर करोगे ना यहाँ पे तुम लोग कोई डैमेज नहीं दिखाने वाला है, तुम्हारा लॉन्चर का जो एमओ होता है ना उसका कोई डैमेज नहीं दिखाने वाला है, और शॉट गन का डैमेज दिखा रहा है यहाँ पे, और ये वाला बग ना बस ट्रेनिंग लॉबी में ही होता है,
अगर तुम लोग जाओगे ना ट्रेनिंग ग्राउंड में तो वहाँ पे तुम लोग को प्रॉपर डैमेज दिखाई देने वाला अपने लॉन्चर का भी। और ये वाला बग ना गरीना की तरफ से है, तो देखते कब तक गरीना इसे फिक्स करता है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन पांचों ट्रिक्स में से ना सबसे ज्यादा तुम लोग को कौन से ट्रिक पसंद आई कॉमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी और अमेजिंग ट्रिक्स और वीडियोस डेली देखने के लिए। ओके तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।